एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूना, यू चैंग और मोजिन खाना खा रहे होते हैं। लूना अपना नाम बताती है और उन दोनों से उनका नाम पूछती है। यू चैंग कहता है मेरा नाम लिंगचैन है। वो अपना असली नाम नहीं बताता है पर मोजिन अपना असली नाम ही बताता है। लूना कहती है वैसे तुम दोनों को देख कर लगता नहीं है कि तुम यहाँ के हो, तो तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिला? यू चैंग कहता है हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और हम अपने रिश्तेदार को ढूंढने में नाकाम रहे। लूना कहती है तो तुम यहाँ पर अपने रिश्तेदार से मिलने आए हो? चिंता मत करो, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ तो मैं उनको ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यू चैंग ने उसको सच नहीं बताया क्योंकि वो लूना के बारे में जानना चाहता है। फिर एक जगह पर आकर लूना अपने कपड़े चेंज करती है। उसको यू चैंग देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। अब यू चैंग लूना के साथ अकेले रहना चाह रहा होता है तो वो मोजिन को वहाँ से भगा देता है। लूना कहती है मैं शाही आदेश को रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि क्राउन प्रिंस को मेरे बारे में जानना चाहिए। मैं राज्य के सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं कितनी बिगड़े लड़की हूं ताकि वो मुझे क्रिटिसाइज करे। जब क्राउन प्रिंस को पता चलेगा कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूं तो वो खुद ही शादी करने से मना कर देगा। वो यू चैंग के साथ ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर लोग जुआ खेलने आते हैं। यहाँ पर लूना बहुत ट्राई करती है कि वो बहुत सारे पैसे हार जाए तो लोग उसके बारे में बातें बनाए क्योंकि वो क्राउन प्रिंसेस है, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उसके साथ यू चैंग होता है। यू चैंग हर बार किसी न किसी तरह लूना को जिता ही देता है जिससे लूना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो एक बार भी हार नहीं पाई। लूना से मिलने जैंग आता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जो देखकर यू चैंग बहुत ही जेलस फील करता है। जैंग लूना को वापस घर चलने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। लूना जैंग से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बारे में कोई अफवाह सुनी है? तो जैंग कहता है नहीं। तो लूना कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है अब मुझे कोई बहुत बड़ा कांड करना होगा। जैंग कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर यू चैंग आता है और कहता है क्यों नहीं कर सकती? वो लूना से कहता है तुम जहाँ भी जाना चाहती हो और जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैंग कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, जो कि यू चैंग को अच्छा नहीं लगता है। फिर रात को वो राज्य के एक ऑफिशियल को लूटने का प्लान करती है ताकि उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो जाए और उससे क्राउन प्रिंसेस का टाइटल छीन लिया जाए। फिर लूना अकेली उनकी रास्ते में खड़ी हो जाती है। वो कहती है ये मेरी जगह है और तुम यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो अपना सारा पैसा मेरे हवाले कर दो। ऑफिशियल का बॉडीगार्ड कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अंदर कौन है? लूना कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है क्योंकि मैं फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस हूँ, इसीलिए पैसे मेरे हवाले कर दो। क्राउन प्रिंसेस सुनकर ऑफिशियल बाहर आता है और कहता है देखो लड़की बकवास करना बंद करो और रास्ते से हटो। तभी वहाँ पर यू चैंग और जैंग भी आ जाते हैं। यू चैंग को देख कर ऑफिशियल उसको पहचान जाता है कि वो क्राउन प्रिंस है। यू चैंग इशारों में ऑफिशियल को बता देता है कि वो ऐसा दिखाए कि तुम मुझे नहीं जानते हो। ऑफिशियल वैसा ही नाटक करने लगता है और कहता है ठीक है आप पैसा ले जा सकती है। वो सारा पैसा उनको दे देता है जिससे लूना हैरान रह जाती है कि इतनी आसानी से ऑफिशियल ने उसको पैसे दे दिए। ऑफिशियल को लूट कर लूना आ चुकी होती है और यहाँ पर यू चैंग को पता चलता है कि लूना इन पैसों का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए करेगी, जो जानकर यू चैंग को बहुत अच्छा लगता है। वो मन में कहता है मैंने एकदम सही क्राउन प्रिंसेस चुना है। जैंग पूछता है अब आपका आगे का क्या प्लान है? लूना अपने फादर के लिए एक लेटर लिखती है और जैंग से कहती है कि वो उसके फादर को दे दे। लूना कहती है उस ऑफिशियल ने हमें बहुत ही आसानी से पैसे दे दिए, तो हो सकता है कि वो हमें पकड़ने आए और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को कोई परेशानी हो, इसीलिए हमें यहाँ से कहीं भागना होगा। जब जैंग आकर लूना के फादर को बताता है कि लूना ने क्या कांड किया है, इससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो जैंग से कहते हैं कि वो लूना के साथ रहे, उसको प्रोटेक्ट करे। जैंग जब वापस आता है तो लूना यू चैंग से कहती है हमारा साथ यही तक था, ये बहुत ही सीरियस मैटर है इसीलिए मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। अब यू चैंग ऐसे कैसे चला जाता है? वह कहता है अभी नहीं, मुझे शहर के बाहर जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता पता है, तो मैं कल तुम्हें शहर के बाहर तक छोड़ दूंगा। और लूना इसके लिए मान भी जाती है। उसके बाद यू चैंग उसी ऑफिशियल से मिलने आता है जिसको लूना ने लूटा था। यू चैंग ऑफिशियल से कह देता है कि वो पैसों की चिंता ना करे, उसको उसके पैसे मिल जाए।
जाएंगे। उसके अगले दिन जब यू चैंग लूना को शहर के बाहर तक छोड़ने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मोजिन आता है। मोजिन बताता है कि वो तीनों शहर के वांटेड लिस्ट में आ गए हैं, मतलब कि अब यू चैंग भी शहर में नहीं रह सकता, पर ये सब एक झूठ होता है। तो लूना यू चैंग को साथ ले जाने का डिसाइड करती है। यू चैंग लूना को बताता है कि शहर के बाहर एक जगह है जहाँ पर वो लोग छिपकर रह सकते हैं, तो वो लूना को लेकर वहीं जाने लगता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।